अब ठीक है जी, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का जी। क्या मीटिंग रही जी चौधरी साहब से आपकी, और क्या उनका सेहत कैसी है? जी शुक्र अल्लाह का जी, बस अपनी हिम्मत के साथ, अल्लाह ताला ने उनको अपनी हिम्मत दिया तो कल अल्लाह ताला पर उन्हें किया हुआ, वो बिल्कुल अपने उस स्टांस पे कायम है जी बिल्कुल। चोरी शुजात साहब भी चक्कर लगा के गए जी, वो अभी बताया ना जी, वो मिलना नहीं चाह रहे थे, ही रिफ्यूज टू मीट देम, कल की जो बात है, कल ही आए। परवेज लाई नहीं मिलना चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया था जब उन्होंने कहा सब। फिर वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम नाम है, अंदर बैठे हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुजात साहब भाई रो रहे हैं, उस पर जाहिर है जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है आपस में इतनी मोहब्बत से, वो जैसे होता नहीं यक जान तो दो कालम, कुछ इस तरह का जो बात है, तो वो उस तरह से फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है फिर मैं मिल लेता हूँ। वो लड़कों को मिलना नहीं चाहते, चोरी साहब नहीं मिलना चले गए, नहीं मिले फिर वो। अच्छा, पहले नहीं मिलना चाह रहे थे आप कह रहे हैं? उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज। तो अभी क्या वो 15 से 20 मिनट तक सिर्फ कहते हैं मैं मिला उनको, और ये झूठ पे झूठ, जैसे मैंने क्या बातें हुई होंगी इस दौरान, सांस नहीं ले सकते झूठ बोले बगैर ये दोनों लड़के, मैंने भी आपसे यही बात। क्यों कैसा साहिबा, क्या फिर बातें उधर अंदर, कोई बात कोई काम की या हाल चाल पूछते रहे? बस बस उन्होंने कहा मैं इमरान खान का साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इन जो गए थे मिलने इनको सबसे पहले उन्होंने ये बात की है, उसके बाद जो कोई घरेलू बात थी बस वो इतनी थी कि वो बस फिर हम मिलकर फैसला करेंगे आपस में जो होता है। रावलपिंडी का जो कमिश्नर है इसका कोई तस्करा अंदर हुआ के सुना जी? चोरी साहब को पता था अंदर? नहीं पता, नहीं पता था, हमने बताया, हमने बताया उनको, अभी तक नहीं उनको पता था। और मोनस साहब को लेके कोई बात पहुंची हूँ तो मुझे पता नहीं, मेरे ड्राइवर ने बताया या किसने ये उस पर देखा है, इन्होंने टीवी पर फ़ोन पे पर खबर सुनी है। इन हालात में तो इसका मैंने कहा देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी, ये अल्लाह ताला करार है और देखना आगे आगे चल के होता क्या। आप नहीं मैडम समझते कि इस दौरान मोनस साहब को मुल्क में होना चाहिए था, वालिद अंदर हैं आप? ये बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, ये सवाल बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन आपने इस पर कभी अंदर उसको रोका हुआ? बिल्कुल, वो भी नहीं आएगा, इंशाल्लाह आएगा, इज्जत के साथ आएगा, आज़ादी के साथ आएगा। और जी हम मैंने खुद रोका उसको, ये बात वो मान गए आपकी? मेरी वो हर बात शुक्र है अल्लाह का मानते हैं, दोनों बच्चे मेरी बात मानते हैं, माँ की बात भी है। परवेज साहब ने रोका हुआ है, उसने कहा तुमने अभी नहीं आना, जब इंसाफ मिलेगा तब तुम आना। उनको इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है लड़कों के कि आप सोच नहीं सकते, वहाँ बैठे से इतनी कुछ जेलसी है, इतनी जेलसी है मोनी से कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे। सेहत चोरी साहब की कैसी है? सेहत कैसी? अल्लाह महफूज रखे जी। सेहत चोरी साहब की कैसी? अल्लाह के ठीक है। और कब तक इम्कान है बाहर आ जाएंगे, आपका क्या ख्याल है? ऊपर वाला इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है जल्दी इनकी बेल होएगी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम, अल्लाह ताला इनको दे। थैंक यू सर। अड्याला के बाहर अभी परवेज इलाही साहब की अहलिया कैसरा इलाही साहिबा उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो फरमा रही हैं कि चोरी शुजात जो हैं उनको मिलने के लिए परवेज इलाही नहीं मान रहे थे, और दोबारा जेल जो हुकाम है उनकी रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग जो है वो तकमील पाई और लगभग कोई 20 मिनट जारी रही, तो उसमें बस हालचाल पूछा गया, कोई पैगाम रसानी नहीं थी, जो कैसा साहब बता रही है।